हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताए कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे हैं। और सुबह सुबह अर्नों को मैं रेडी करने के बाद सुबह सुबह मैं छत पे चली आई हूँ 6:30 बजे का ये टाइम है। और ये मेरा कॉर्नर सबसे प्यारा मुझे लगता है ये कॉर्नर, और इसमें ब्लू कलर का फ्लावर भी आज निकला हुआ है। और ये कॉर्नर मेरा फेवरेट कॉर्नर है। और अभी मैं पानी भर रही हूँ सारे गमलों में डालने के लिए। और आज अर्नो वेडनेसडे, इनका हाउस ड्रेस लगा है ग्रीन कलर का, तो इनका मैंने कहा लाओ फोटो सेशन भी कर लूँ। तो वैसे तो मुंह बना हुआ है इनका, क्योंकि आज इनको स्कूल जाना नहीं था। तो बेचारा दुखी है अंदर से, दिल दुखी है, दिमाग दुखी है बेचारा, किसी तरह फ़ोटो बस खिंचा ले रहा है, लेकिन एकदम आत्मा बेचारी की दुखी है कि स्कूल ना जाना पड़े। खैर कोई नहीं, इनका फोटो सेशन होता है शुरू। इनके जाने के बाद चीकू जो धमाल करते हैं, चलाओ गाड़ी, हाँ चलाओ, ये ये चीकू पापा की चल रही है पिटाई, पापा की चल रही है पिटाई, क्योंकि पापा बोले थे लाने के लिए और स्कूल से अर्नव आ गया है और कुछ नहीं मिला खाने को, तो पापा की चल रही है पिटाई, क्यों नहीं लाए पापा, तो मैं बना रही हूँ इनके लिए। तो मैं बना रही हूँ, इधर पॉपकॉर्न जा रही हूँ भूनने, भैया हो रहा है। तो मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल जा रहे थे अर्नव, तो इनके पापा कुछ प्रॉमिस किए होंगे कि हाँ तुम्हारे लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, तुम स्कूल चले जाओ। तो फिर स्कूल से आने के बाद अर्नव अपना चीज़ ढूंढ रहे थे कि पापा मेरे लिए क्या लाए हैं, और जब पापा कुछ नहीं लाए हैं तो पापा की हो गई पिटाई। और यहाँ पर हम लोग शाम को आ गए हैं छत पर, और यहाँ पर चंदा मामा भी निकल गए हैं, प्रकट हो गए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ चीकू लगे हैं अपना मिट्टी खाने में, तो भाई इनकी तो बहार ही हो जाती है जब भी छत पर आते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हैं, चाय वगैरह भी पी रहे हैं, अपना अपना चाय भी लेके आए हैं। अरे ये लड़का छत पे भी आके मिट्टी खा रहा है, ठीक निकालो इसके मुंह से, ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहा है, फिर डाला पत्थर। चीकू तुम अपना ले लो, अपना ले लो, भैया का ले जाने दो, तुम अपना ले लो, भैया को नहीं देना, ठीक ले लो, तुमको नहीं देगा ना भाई, जान लो। और टूट गया ये टास्क, अब किसी दिन निकल के नीचे गिर जाएगा। लो भाई घर में सीमेंट का काम क्या शुरू हुआ, इन लोग को भी पता चल गया कि हम लोग को भी टूटना चाहिए, तो ये बॉर्डर भी आज टूटने लगा, तो पतिदेव ठीक करके उसको बना दिए। हेलो गुड इवनिंग, तो शाम के बज रहे हैं 4, और मैं अभी तक बस कर रही थी विचार, सुबह से एक भी वीडियो नहीं बनाई हूँ। कल भी वीडियो थोड़ी बहुत, जो अर्नव कल वेडनेसडे था तो ग्रीन ड्रेस पहन के गए थे, तो वो थोड़ा सा वीडियो बस है कल का, और आज का भी वीडियो कुछ भी नहीं बनाई हूँ मैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि वीडियो में क्या क्या मुझे डाला जाए कि ब्लॉग जो है इंटरेस्टिंग हो जाए, तो आने वाले टाइम पे मैं ऐसा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, इसी के लिए मैं कर रही थी कब से विचार, सोच विचार। और शाम हो गई है तो पतिदेव आ गए हैं, और यहाँ मैं भुनने जा रही हूँ चूड़ा, और ये है नेपाली चूड़ा, इस पर क्या लिखा है, भगवती भूरम चिवरा, तो ये है, देखिए अंधेरा आ जाता है, तो ये है नेपाली चिड़ा चूड़ा, नेपाली चूड़ा, तो ये बुआ सास मेरी दी हैं, नेपाल से भेजी हैं, तो नेपाल से बुआ सास चूड़ा भेजी हैं, और वो उस दिन चाउमीन जो दिखाए थे वो भेजी थी, तो जा रही हूँ उसी को भूनने। मूँगफली नहीं है, बिना सादा मूँगफली, अब मूँगफली ये बोल रही थी धूप है मैं लाने भी नहीं जाऊँगा, तो जा भी नहीं रहे हैं, तो बस चूड़ा ही मैं भूनूंगी। तो चलिए फटाफट से चूड़ा और चाय बनाते हैं, शाम के बज गए हैं 4, इनको लगी है भूख, वरना बनाती मैं 5 बजे शाम के, क्योंकि धूप थोड़ी है, नहीं भूख लगी है तो अभी से स्टार्ट कर दे रही हूँ बनाना। तो नेपाली चूड़ा है बिल्कुल अपने देसी चूड़े की तरह, बिल्कुल मोटा मोटा अपने देसी चूड़े की तरह, और इसमें एक खास क्या बात है, ये बिना भुने क्रंची है, मैं इसको खा रही हूँ अभी दिखाती हूँ, ये लीजिए थोड़ा सा निकाल ली इसी में से, और ये बिना भुने क्रंची लगता है मुझे, आवाज़ तो आएगी नहीं यार लेकिन मुझे क्रंची बिल्कुल बिना भुने ये है। तो नेपाल से यार जाओ तो चूड़ा जरूर लेके आओ, क्योंकि वो बिना भुने ही खाने लायक होता है, इतना क्रंची होता है। तो फटाफट से इसको भून लो और चाय लगा दूँ उनको,
फालतू की बातें क्या करूं, आप भी बोर हो जाते होगे। और चिकू और नो यहाँ सोए हुए हैं। बाय। बड़ा बड़ा पत्ता हो गया है, काट के ले चला जाए, पकौड़ी बनाया जाए। तो घर के पीछे अभी मिट्टी पड़ी थी और मैं अभी एक बार भी नहीं नीचे आई थी अंडरग्राउंड में। मैंने कहा कहाँ मिट्टी पड़ी है मैं भी जाके देख लूँ, तो मैं भी बस नीचे ही आई हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं आ नहीं पाती हूँ, चीकू रहते हैं साथ में, तो अभी चीकू को संभाल रहे हैं इनके पापा, तो मैं भी आ गई हूँ पीछे थोड़ा देखने के लिए। फर्स्ट टाइम इतने पीछे तक मैं आई हूँ, शादी के 7 साल हो गया पर यहाँ तक मैं कभी नहीं आई हूँ, तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं यहाँ तक आ रही हूँ, नहीं तो यहीं तक आई हूँ थोड़ी ही दूर तक, और अभी जाकर मैं पीछे तक देख रही थी। अरे भाई चीकू तो अपने मन से बैठ गया गाड़ी पे, किसे बैठाना ही नहीं पड़ा। अरे भाई चीकू बड़ा बढ़िया, आए आए। तो लो भाई, जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई है, और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट। तो मार्केट क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि चीकू का है बर्थडे, कल है 15 जुलाई, तो चीकू का बर्थडे है, तो आज हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। और आज है 14 जुलाई, और आज हम लोग जा रहे हैं चीकू का ड्रेस लेने के लिए, बर्थडे केक ऑर्डर करने के लिए और सारी चीज़ें। तो हम लोग आ गए हैं गोलघर, यहाँ पर ये गए हैं गाड़ी खड़ा करने, और बहुत अच्छा है कि गोलघर में इन्होंने गाड़ी खड़ा करने के लिए इन्होंने पार्किंग अच्छी सी बना दी है। तो उसके बाद से हम लोग सबसे पहले जाते हैं मियांस मॉन्स के शॉप पे, तो वहाँ पे फॉर्मल कपड़े ही मिलते हैं, पार्टी वेयर नहीं मिलते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे चंदा मामा वाले शॉप पे, तो चंदा मामा का शॉप उन्होंने ही रिकमेंड किया था, जो मियांस मॉन्स वाले भैया हैं उन्होंने ही बोला कि या तो आप शरारत वाले के यहाँ चले जाइए या तो चंदा मामा वाले के यहाँ चले जाइए, आपको दोनों ही जगह पार्टी वेयर ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो कुछ ड्रेस ये हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक ड्रेस हम लोगों ने सेलेक्ट की है, तो जब बर्थडे पे चीकू पहनेंगे तो वो आप सबको ज़रूर दिख जाएगा। इसके बाद से हम लोग आ गए हैं यहाँ गोलघर में ही बाहर था पानी पूरी, तो हम लोग आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। इसके बाद से पानी पूरी खाने के बाद हम लोग चले गए हैं चीकू का केक ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग को केक जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा ही केक इनके पास मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे केक भी ऑर्डर कर दिए। इसके बाद से हम लोग यहाँ से निकल गए ऑटो पकड़ के चीकू का गिफ्ट देखने के लिए। तो चीकू का गिफ्ट मुझे वाकर लेना था, तो हम लोग निकल गए हैं उर्दू, तो उर्दू निकल गए हैं हम लोग, और उर्दू में हम लोग को वाकर पसंद नहीं आया। बस हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इनके पास जो कलर था वो कलर पिंक कलर था, तो लड़के के लिए मुझे पिंक कलर नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने पिंक कलर नहीं लिया। फिर हम लोग दूसरे शॉप पे चले गए, और दूसरे शॉप पे ये बड़ा अच्छा काम था इनका कि इन्होंने कैटलॉग रख रखा था, कैटलॉग से आप सेलेक्ट करिए फिर आप लीजिए। तो कैटलॉग वगैरह जो था इनके पास बहुत अच्छा था, बस जो जो भी हमें पसंद आ रहा था उसके बहुत ही हाई इन्होंने रेंज लगा रखे थे, और वही जो वाकर था वही ऑनलाइन बहुत ही कम रेट पे था। मैंने कहा इससे अच्छा कि ऑनलाइन मैं ले लूं, तो फिर हम लोगों को नहीं सही समझ में आया, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए और ये आ गए हैं वापस फिर से गोलघर, और अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल कर बैठ गए हम लोग खाने के लिए डोसा। तो बस इतना सारा खा लिए हैं बाहर का कि आपको टेस्ट नहीं पता चल रहा, इसलिए करा हमको पता नहीं कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, वैसे घर के खाने के लिए भी करा टेस्ट नहीं आ रहा है, तो पूरा टेस्ट है, इसीलिए बाहर का कभी कभी खा जाता है घर का रोज, तभी टेस्ट में पता चलता है। इसके बाद हम लोग 10 बजे पहुंच गए अपने घर। तो चलिए अपने ब्लॉग के यहीं पे कर रही हूँ मैं एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आप सब सर सही मस्त रहिए, मेरी कामना है, प्लीज़ स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।